सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त मनसवाल, आप देख रहे हैं सही मैजिशियन चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि कोई अपनी मैजिक ट्रिक बनाओ, को अपनी टाइप मैजिक ट्रिक बनाओ। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए कार्ड मैजिक ट्रिक बनाई है जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार है। मुझे उम्मीद है 110% कि आप लोगों ने ऐसी कार्ड मैजिक ट्रिक दुनिया में आज से पहले नहीं देखी होगी। तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, आपको ज़रूर इस मैजिक में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए गाइज, बिना कि आपको बोर, शुरू करते हैं जादू का स्टोर। सो एवरीवन, इस मैजिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास एक किताब है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, एक बुक्स है मेरे पास जो कि एकदम नॉर्मल बुक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जादू मैजिक, ठीक है। ये किताब मेरे पास है, आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ कि ये किताब अंदर से कैसी है, ठीक है। दोस्तों, अंदर से आपको दिखा देता हूँ, किताब एकदम खाली, यहाँ से ऐसे मैं दिखा देता हूँ, किताब एकदम ब्लाइंड, ठीक है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, किताब एकदम ब्लाइंड है, इस पर कुछ भी चित्र, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। इसके बाद इस बुक को मैं देता हूँ अपने भाई के पास, भाई आप लोगों के कैमरे के सामने ही यहाँ पे रहेगी, वीडियो कोई कट नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, बुक्स यहीं पे कैमरे के सामने आप लोगों के सामने ही रहेगी, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मेरे पास एक कार्ड की डेग है, ठीक है। कार्ड की डेग यहाँ पर ओपन करते हैं, ये देख सकते हो, और कार्ड की डेक जो है इसे हटा देते हैं और कार्ड हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो कार्ड मेरे पास है, कार्ड की डेक को जेब में डाल देते हैं कुछ इस प्रकार से, और कार्ड आप देख सकते हो दोस्तों, एकदम नॉर्मल कार्ड है, रेंडम कार्ड है, कोई मैजिकली डेक ये नहीं है, ये एकदम ओरिजिनल डेक है, एकदम मतलब गेमिंग कार्ड नहीं है कुल मिला के, ठीक है। आपको दिखा दूँ, सभी कार्ड अपने अपने कलर के, सभी कार्ड अपनी अपनी जगह पे है, ठीक है, कोई गेमिंग डेक ये नहीं है। आपको मैं एक एक कार्ड भी दिखा सकता हूँ, पर काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। एक एक कार्ड भी आपको ऐसे दिखा सकता हूँ निकाल के, ठीक है। दोस्तों, ये कार्ड कोई गेमिंग कार्ड नहीं है, रैंडम डेक है, ठीक है। दोस्तों, अभी क्या करते हैं, इस डेक को सफल करते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैंने डेक को सफल कर दिया है और आप लोगों के सामने ही डेक भी यहाँ पे है। तो अभी भाई मैं क्या करूँगा, इस डेक को कुछ इस प्रकार से करूँगा, आप कहीं पे भी स्टॉप बोलना, मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा, ठीक है जी। तो एक बार सफल कर देते हैं आप लोगों के सामने। तो ये लो, मैं ऐसे करूँगा स्टॉप, नहीं नहीं अभी मैं करूँगा, तो आप जहाँ पे स्टॉप बोलोगे मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा, ठीक है जी। तो ध्यान से देखना दोस्तों, स्टॉप, आगे जाना चाहोगे, नहीं यहीं पे जी, ठीक है। तो दोस्तों, ये है आपका कार्ड जो इसके ऊपर होगा, ठीक है जी। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैमरे पे, मैं पीछे देख रहा हूँ जी, ठीक है जी। अब आप इस कार्ड को निकालो, मेरी आंखें बंद हैं, आप इस कार्ड को निकालो, ठीक है जी। ओके, कार्ड निकाल दिया, कैमरे पे दिखा दो, कैमरे पे दिखा दिया जी, ठीक है। कैमरे पे दिखाने के बाद इस डेक के कहीं बीच में डाल दो, मेरी आंखें बंद हैं, डाल दी जी। अभी मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और अच्छे से जो है पीस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आंखें खोल सकता हूँ, है ना दोस्तों। तो आंखें खोलने के बाद मुझे नहीं पता कि आपका कार्ड जो है इस डेग में कहाँ पे है, मैंने इसे अच्छे से पीस भी कर दिया है, अब मुझे नहीं पता कि आपका कार्ड जो है वो कहाँ गया है, ठीक है। इस डेग में मुझे आपका कार्ड नहीं पता, मेरी आंखें वैसे भी बंद थी, मुझे पता नहीं है कि आपका कार्ड जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो अब ये किताब मुझे दो और ये गड्डी यहाँ पे पकड़ो, ठीक है। तो किताब मेरे पास आ गई है, गड्डी इनके पास है कार्ड की। अब कार्ड आप लोगों ने देखा, मैंने तो नहीं देखा और आपने देखा, आपको पता है आपका कार्ड क्या था जी, ठीक है। अभी इस किताब पे करते हैं कुछ मैजिक, उस गड्डी को नीचे रख दो, अभी इस किताब पे करते हैं कुछ मैजिक, कुछ जादू, ठीक है। ये किताब मैंने आपको दिखाई थी, एकदम ब्लाइंड थी, इस पर कोई भी चित्र कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। अभी करते हैं मैजिक और जादू, तो देखना क्या यही आपका कार्ड था जी। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, क्या यही आपका कार्ड था जो किताब पे आ रहा है जी, यही था, ठीक है। दोस्तों, ये कार्ड पूरी इस किताब पे प्रिंट हो गया है, आप लोगों के सामने है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, आप लोगों के सामने ही पूरा कार्ड इस किताब पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। दोस्तों, आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो, कार्ड जो है इस किताब पे प्रिंट हो गया है और मुझे पता है कि आपका कार्ड यही रहा होगा, ठीक है। एक बार आपको दिखा देता हूँ कि क्या आपका कार्ड यही था ना, देखो ये जो बुक पे प्रिंट हो रखा है, आपका कार्ड यही था, है ना, यही था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मैजिक, पूरी बुक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपके कार्ड से ही प्रिंट है,
जबकि मैंने पहले आपको बुक दिखाई थी, एकदम ब्लाइंड थी, एकदम खाली थी, कुछ भी इस बुक पे जो है प्रिंट नहीं था। पर अभी मैजिक करते ही, जादू करते ही इस बुक पे जो है आपका कार्ड प्रिंट हो गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये मैजिक आपको पसंद आया होगा, आप भी इसे जानना चाहते होंगे एंड सीखना चाहते होंगे। तो चलिए गाइज, अगर आपने अभी तक SSC मैजिशियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे प्रेस कर देना। उसे प्रेस करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना और हमारे लिए एक लाइक कर देना यार। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको इस मैजिक के ट्रिक एंड ट्यूटोरियल पे। सो एवरीवन, इस मैजिक का जो ट्रिक है वो अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज वीडियो की क्वालिटी कैसी है। मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आवाज़ में थोड़ा अगर कुछ प्रॉब्लम होगी थोड़ा कोऑपरेट करना। तो इस मैजिक ट्रिक के जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको चाहिए वो है एक बुक्स, ठीक है। और ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है, ये है मैजिक कलरिंग बुक्स, ठीक है। इसका मैजिक मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाया है। इसका मैजिक स्पेशली होता क्या है, इसका मैजिक होता है कि पहले हम आप लोगों को ऐसी ब्लाइंड किताब दिखाते हैं, कोरी किताब दिखाते हैं कुछ ऐसे, उसके बाद इस पर मैजिक करते हैं। तो हम इस पर जो चित्र हैं वो लेके आते हैं, ऐसे ब्लैक एंड वाइट चित्र जो है इस पर आते हैं। पर मैंने क्या कर रखा है दोस्तों, देखो ब्लैक एंड वाइट चित्र भी आ रहे होंगे, कार्ड भी आ रहे होंगे, पर मैंने क्या कर रखा है, मैंने आपको पहले भी बताया 1, 2, 3 इसके होते हैं 3 पॉइंट। अगर यहाँ से पलटी मारोगे तो ब्लैक एंड वाइट, सॉरी यहाँ से पलटी मारोगे तो एकदम ब्लाइंड पेज, और यहाँ से बीच से पलटी मारोगे तो बीच से आएंगे कलरफुल, और यहाँ से मारोगे तो यहाँ से आएंगे ब्लैक एंड वाइट चित्र। तो इस पर क्या है, मैंने गेमिंग कर रखा है। गेमिंग क्या कर रखा है कि जहाँ से कलरफुल चित्र आने थे तो मैंने क्या किया, कलरफुल चित्र आने की जगह मैंने मार्केट से ऐसे A4 साइज़ के जो पेपर होते हैं उन पे एक कार्ड को प्रिंट करवा दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों हवा कितनी तेज़ चल रही है, तो मैंने एक कार्ड को प्रिंट करवा दिया जो कि कार्ड है वो चिड़िया का 10, ठीक है, 10 ऑफ क्लॉक, इसे इंग्लिश में अगर बोले तो ये 10 ऑफ क्लॉक है, ठीक है। तो मैंने ये कार्ड प्रिंट करवाया ऐसे 18 पेजेस पे, क्योंकि इसके अंदर जो है कलरफुल चित्र जो है वो 18 पेज पे थे। तो मैंने ऐसे ही जो प्रिंट है कलरफुल वो करवाया 18 पेजेस पे, ठीक है, 1/8 पेजेस पे मैंने ऐसे प्रिंट करवा दिया 10 ऑफ क्लॉक का जो कार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या किया कि इस बुक पे जहाँ पे कलरफुल चित्र आते थे, ऐसे देखो जहाँ पे कलरफुल चित्र आते थे, आप लोगों के सामने उल्टी हो गई, जहाँ पे कलरफुल चित्र आते थे तो मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे अभी ब्लैक एंड वाइट चित्र आ रहे हैं, दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट कुछ चित्र आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया इन पेजेस को कलरफुल जो पेजेस हैं उन पे चिपका दिया, ये जो प्रिंट करके लाए थे मार्केट से इनको यहाँ पे ऐसे चिपका दिया, ठीक है। डबल टेप की सहायता से चिपका सकते हैं ताकि हमारी और भी किताब ख़राब ना हो, ठीक है। तो एक मैजिक कलर एक बुक है, आपको क्या करना है किसी एक चीज़ पे, देखो कलरफुल जो साइड है उस पे मैंने चिपकाए हैं, आप किसी भी साइड पे चिपका सकते हो, ब्लैक एंड वाइट पे भी चिपका सकते हो, और मैंने ऐसे 18 पेजेस इस पे चिपका रखे हैं मैजिक कलरिंग बुक्स पे, ठीक है। तो सभी जो कलर वाले चित्र दिखने थे वो आपको कलर वाले बंद होके आपको दिखे 10 ऑफ क्लॉक का कार्ड, ठीक है। अब आते हैं ताश की गड्डी पे, कि ताश की गड्डी पे आपको करना क्या है, इनको नीचे रख दो। ताश की गड्डी पे आपको क्या करना है, एक ताश की गड्डी लेनी है जो कि नॉर्मल होगी, इसमें कोई गेमिक नहीं होगा, ठीक है। पर एक गेम होगा, वो क्या होगा कि जब जो कार्ड हमें चॉइस करवाना है, जैसे ये है 10 ऑफ क्लॉक जो मैंने सबसे नीचे रखा हुआ है, तो ये 10 ऑफ क्लॉक जो कार्ड आपको यहाँ पे किताब पे आपने प्रिंट करवा रखा है वो कार्ड आपको सबसे नीचे रख देना है, ठीक है। बाकी गड्डी नॉर्मल रहेगी, कोई गेमिंग गड्डी इसमें यूज नहीं करनी है, मार्केट से जाके खरीद सकते हो नॉर्मल गड्डी, उससे ही दिखा सकते हो। पर जो कार्ड आपने प्रिंट करवा रखा है A4 साइज़ के पेपर्स पे, किताब पे जो चिपका रखा है वो यहाँ पे होगा सबसे नीचे पे। अब क्या होता है, हम इसका पीस भी मारते हैं, बस पीस मारते समय हम क्या करते हैं, नीचे का जो कार्ड है 10 ऑफ क्लॉक्स उसे ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी का पीस मार देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, एक पीस मारते हैं, यहाँ पे देखो एक पीस मारते हैं ऐसे ऐसे, अपनी जो स्मॉल फिंगर है ये वाली फिंगर है इसे यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, आगे से ऐसा लगता है कि गड्डी नॉर्मल है, बल्कि नहीं, पीछे से जो हमारी फिंगर है वो डेक के अंदर जा रखी है, मतलब पिंकी ब्रेक जिसे बोलते हैं ना मैजिक में, यहाँ पे देखो ये पिंकी ब्रेक मैंने यहाँ पे दे रखा है पीछे से, बल्कि आगे से देखने से नॉर्मल लगेगा, ठीक है। पर आपको यही कार्ड चॉइस करवाना है, आगे से ऐसे लगेगा गड्डी नॉर्मल है पर पीछे से इस पर पिंकी फिंगर ब्रेक जो है वो आ रखा है,
ठीक है। अब क्या होता है, हम किसी को भी बोलते हैं कहीं पे भी स्टॉप बोलो, हाँ जी, कहीं से भी स्टॉप बोलो, स्टॉप स्टॉप। अब मान लो इसने यहाँ पे स्टॉप बोला, अब यहाँ पे तो वो कार्ड है नहीं, तो हमें क्या करना है, पीछे से यहाँ पे जहाँ पे पिंकी फिंगर ब्रेक दे रखा है, यहाँ से उठा देना है डेक को आगे की साइड, तो आपका कार्ड यही आएगा, ठीक है। जो 8:10 है यही कार्ड आएगा, और आपको बोलना है कि ये आपका कार्ड है जी, ठीक है। आंखें बंद कर देनी है, और ये आपका कार्ड है, और ये कार्ड जैसे वो चॉइस करते हैं, तो ये पकड़ो, ये कार्ड चॉइस करने के बाद आंखें बंद कर दो, उनसे कहीं भी रखवा दो और पीस मार दो, और पीस मारने के बाद गड्डी को या तो जेब में डाल दो या तो उनके पास दे दो, और फिर ये किताब लो, और किताब को पहले तो ब्लाइंड दिखाना है, आपको पता है जब मैजिक स्टार्ट करते हैं तब तो ब्लाइंड दिखाना है ऐसे, तब तो आपको पूरी ब्लाइंड किताब दिखानी है, पर जब कार्ड चॉइस कर लिया, कार्ड गड्डी में डाल दिया, तो आपको पता है कि आपने वही कार्ड चॉइस करवाया है कि जो आप चाहते थे, जो आपने इस किताब पे प्रिंट करवा रखा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे बीच से जहाँ पे भी आपने सेटअप करवा रखा है, बीच से क्या करना है, यहाँ पे पलटी मार देनी है, और दिखेगा 10 o'clock, ओनली फोर दिखेगा 10 o'clock। तो देखा आपने, यही है इस मैजिक की ट्रिक। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये मैजिक पसंद आया होगा। अगर आप जादू का कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं या मैजिक कलरिंग बुक्स खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है इस पे कांटेक्ट करके आप खरीद सकते हैं और जादूगर बन सकते हैं, नाम और दाम कमा सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक नए चैनल की लिंक है मेरी, पहाड़ी लाइफ स्टाइल, वहाँ पर जाके आप सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पर जाके उस चैनल को अपना सपोर्ट दें, प्यार दें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नेक्स्ट मज़ेदार इंटरेस्टिंग कमाल की मैजिक ट्रिक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।